गुड मॉर्निंग बच्चों, अब तक हमने संधि की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जाना। स्वर संधि और उसके भेद हम पहले कर चुके हैं और व्यंजन संधि के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो स्वर में विकार उत्पन्न होता है उससे स्वर संधि बनती है, और व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है उससे व्यंजन संधि बनती है। इसी प्रकार विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उससे विसर्ग संधि बनती है। तो आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन आता है, विसर्ग में परिवर्तन आएगा स्वर या व्यंजन में नहीं, वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे निह जमा चल निश्चल, यहां पर विसर्ग के स्थान पर शवना है। मनह जमा हर मनोहर, यहां विसर्ग ओ में बदल गई है क्योंकि इससे पहले ए है। विह जमा तार विस्तार, तय के कारण स बना है। इस प्रकार जो भी विसर्ग में परिवर्तन होता है उससे विसर्ग संधि बनती है। आइए इसके नियमों के बारे में जानते हैं। पहला नियम है, जब विसर्ग का मेल च छ या श से होता है अर्थात तालव्य श, तब वह श में ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुह जमा चरित्र दुष्चरित्र, दुह जमा शाला दुशाला आदि। अन्य उदाहरण देखते हैं, निह जमा छल निश्चल, यहां पर छ छ बताया था ना, तो छ के कारण श बन गया है। निह जमा चिंत निश्चिंत, छ के कारण यहां पर विसर्ग श में बदल गया है। निह जमा च निश्चय, हरिह जमा चंद्र हरिश्चंद्र, दुह जमा शासन दुशासन, निह जमा शुल्क निःशुल्क। दूसरा नियम है, तथ या स से मेल होने पर विसर्ग से स में बदल जाता है। जैसे निह जमा तेज निस्तेज, यहां पर त के कारण विसर्ग में स बदला है, बदलाव आया स का। निह जमा तार निस्तार, यहां पर भी बदलाव स में। निह जमा संदेह निस्संदेह, विसर्ग फिर से स में बदली है। मरुह जमा थल मरुस्थल, मनह जमा ताप मनस्ताप, दुह जमा साहस दुस्साहस, निह जमा संकोच निस्संकोच, निह जमा संतान निस्संतान आदि इसी प्रकार के उदाहरण हैं। अगला नियम है बच्चों, विसर्ग से पहले इ उ हो और बाद में क ख ट ठ प फ के साथ विसर्ग का मेल हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। यानी पहले यहां पर विसर्ग से पहले उ या इ होनी चाहिए और दूसरी साइड क ख ट ठ प फ इनमें से कोई भी वर्ण होना चाहिए। जैसे दुह जमा परिणाम दुष्परिणाम, यहां पर प आया है इसलिए विसर्ग श में परिवर्तित हो गई है। निह जमा फल निष्फल, फ के कारण श। दुह जमा ट दुष्ट, निह जमा कंटक निष्कंटक, निह जमा पाप निष्पाप, पहले ई है बाद में प है। दुह जमा कर दुष्कर, निह जमा काम निष्काम, निह जमा कपट निष्कपट, धनुः जमा टंकार धनुष्टंकार, यहां उ पहले है और बाद में ट है इसलिए यहां पर श बना है। तो ये इसके उदाहरण थे। अगला नियम है, विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले ए हो और
विसर्ग का मेल किसी सहघोष वर्ण, सहघोष वर्ण कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण को सहघोष वर्ण कहा जाता है। अतः सहघोष वर्ण अर्थात किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण य र ल व है, इनमें से किसी से भी अगर विसर्ग का मेल हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे यहां पर आया था मनह जमाहर, मनह में ए है पहले और बाद में है, इसलिए यहां पर ओ हो गया है। इसके उदाहरण है बेटा मनह जमा रथ मनोरथ, यहां पर विसर्ग से पहले ए है और बाद में सघोष वर्ण र आता है, यर लव में से आया है रथ। सरह जमा जय सरोज, यहां पर जय सघोष वर्ण है। मनह जमा कामना मनोकामना, मनह जमा रंजन मनोरंजन, मनह जमा विकार मनोविकार, तपह जमावन तपोवन, रजह जमा गुण रजोगुण, अधह जमा लिखित अधोलिखित, यशह जमा धरा यशोधरा। अगला नियम है विसर्ग से पहले ए को छोड़कर, अब तक तो ए आया था, अब ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, ए नहीं हो बाकी कोई भी स्वर हो सकता है, और विसर्ग का मेल किसी सघोष वर्ण अर्थात वर्गीय तीसरे चौथे पांचवें वर्ण य र ल व के साथ हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, उदाहरण देखिए निह जमा यात, यहां पर न को ई की मात्रा है, ये ऐसे भिन्न स्वर है इसलिए यहां पर निर्यात, यह जो है वो यर लव में से ही आता है अर्थात अंतस्थ वर्ण है। निह जमा भर निर्भर, निह जमा भय निर्भय, निह जमा मल निर्मल, निह जमा जन निर्जन, दुह जमा उपयोग दुरुपयोग, यहां पर भी स्वर है, कोई भी स्वर आए या उसका किसी और दूसरे सघोष वर्ण के साथ मेल हो तो यहां पर ऊ जो है वो स्वर है और ऐसे भिन्न है। दुह जमा लभ दुर्लभ, पुनः जमा जन्म पुनर्जन्म, निह जमा आशा निराशा। अगला नियम है विसर्ग से पहले ह्रस्व मात्रा अर्थात छोटी मात्रा हो और विसर्ग का र के साथ मेल हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और मात्रा दीर्घ हो जाती है अर्थात मात्रा बड़ी हो जाती है। कैसे, उदाहरण देखिए निह जमा रव, यहां पर छोटी की मात्रा है और पीछे र से विसर्ग का मेल हो रहा है तो यहां पर मात्रा दीर्घ हो गई है नीरव। निह जमा रस नीरस, यहां भी र है और छोटी मात्रा है। अगली है निह जमा रोग, नी में भी छोटी मात्रा है और विसर्ग का र के साथ मेल हो रहा है इसलिए नीरोग। निह जमा रज नीरज आदि। अगला जो इसका नियम है कि विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले ए हो और बाद में क प वर्ण हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, अक्सर नहीं होता है। कैसे, जैसे प्रातः जमा काल प्रातः काल, पयः जमा पान पयः पान, अंतः जमा कर्ण अंतः कर्ण, अंतः जमा स्थल अंतस्थल, रजः जमा कर्ण रजः कर्ण आदि। अब इसकी पहचान देखते हैं बेटा, विसर्ग संधि की क्या पहचान है, श श और स से पहले स्वर रहित समान वर्ण अर्थात आधा शश शश या सस आए तो वहां पर विसर्ग संधि मिलेगी। अगर ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो रेप होता है। ए का ध्यान रखना, मैंने इसकी गुण संधि की पहचान बताई थी कि ए पहले आता है और रेप बाद में आता है। ए होने पर ओ हो जाता है, र से पहले अगर छोटी मात्रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है,
मात्रा बड़ी हो जाती है, जैसे अभी बताया था निह जमारस नीरस। तो बच्चों अब आती है अभ्यास की बारी। पहला प्रश्न है विसर्ग संधि की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न विसर्ग संधि में ओ संबंधी नियम बताएं। तीसरा प्रश्न है विसर्ग में रेफ संबंधी नियम क्या है। प्रश्न नंबर 4 विसर्ग का लोप कब होता है। प्रश्न नंबर 5 विसर्ग संधि की क्या पहचान है। प्रश्न नंबर 6 विसर्ग संधि में ष और ष के कोई 10 उदाहरण लिखें। तो बच्चों आज आपने विसर्ग संधि के बारे में जाना। स्वर संधि और व्यंजन संधि हम पहले ही कर चुके हैं। इन तीनों को उदाहरणों को देखें, समझें, इनके नियमों को जानें और अपनी कॉपियों में नोट करें। धन्यवाद।